सत्तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के गांव मुडलाना से सामने आ रही है, जहां पर 1 दिसंबर को फैक्ट्री में के डायरेक्टर को फिरौती के नाम पर धमकी देने के मामले में 4 आरोपियों को गोहाना सदर पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया गया है, जहां पर अब 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया और आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। बता दें कि गोहाना के गांव मुडलाना स्थित रिबा टेक्सटाइल कंपनी के डायरेक्टर नितिन गर्ग ने गोहाना सदर पुलिस को 1 दिसंबर को सूचना दी गई थी, एक कंप्लेंट दी गई थी कि फैक्ट्री में 5 से 6 लोग जो लड़के हैं वो पहुंचते हैं, जहां पर धमकी दी जाती है और उन्होंने कहा कि या तो आपको यहां पर काम करना है तो आपको हमें 10 लाख रुपये की फिरौती देनी पड़ेगी, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके पर जो है जो रिबा टेक्सटाइल कंपनी के जो डायरेक्टर हैं नितिन गर्ग, उनके द्वारा कंप्लेंट दी गई। कंप्लेंट के देने के बाद तुरंत जो है गोहाना सदर पुलिस ने FIR लॉन्च कर ली गई थी। उसके बाद जो है अब 6/12 को जोगेंद्र को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जो है जो 3 और लोग थे उनको भी जो है 7 तारीख यानी कि कल जो है गिरफ्तार जो है 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार करने का काम किया गया है। 2 लोग जो है गोहाना के गांव मुडलाना के रहने वाले हैं और 2 लोग शाहपुर गांव के रहने वाले हैं। अब जो है इसमें 1 और आरोपी है, उसको जल्द गिरफ्तार करने की बात जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। और बता दें कि ये जो गिरफ्तारी की गई है गोहाना CIA और गोहाना सदर पुलिस ने ज्वाइंट करके जो है ये इसको गिरफ्तार किया गया है और बड़ा खुलासा किया गया है। इनके ऊपर पहले भी 302 307 जैसे गंभीर आरोप जो है इनके ऊपर FIR दर्ज है। अब जो है SHO के द्वारा गोहाना SHO उमेश कुमार के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई है और बकायदा जो है बताया गया है कि इन पर पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हैं और कहीं ना कहीं ये गैंग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और उसी को लेकर जो है अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें एक जो आरोपी है वो अभी फरार बताया जा रहा है, उसको भी जल्द गिरफ्तार करने की बात जो है गोहाना सदर पुलिस कर रही है। तो आपसे अपील भी रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुँच सके कि गोहाना में फिरौती मांगने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, ये हमारे पास दिनांक 1/12/2023 को सूचना प्राप्त हुई थी। एक दरअसल कंपनी है मुडलाना के एरिया में, जिसके डायरेक्टर है नितिन गर्ग, रिबा टेक्सटाइल है, कपड़े बनाने का जो काम करती है। तो उसके डायरेक्टर से हमें कंप्लेंट मिली थी कि जो उसके उस दिन शाम को 5-6 लड़के आके धमकी दे के गए हैं और गेट पे उन्होंने तोड़फोड़ भी की है और ये धमकी दे के गए हैं कि भाई यहाँ अगर काम करना है तो आपको हमें 10 लाख फिरौती के रूप में देने होंगे। तो जिस पर हमने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और आरोपियों की जो तलाश की गई और तलाश के दौरान इसमें FIR में एक बंदे का हमें उन्होंने लिंक भी दिया था, नाम दिया था जोगिंदर परविंदर फोर्डा के नाम से दिया था। तो उसी आधार पर हमने आगे इन्वेस्टिगेशन जब उसमें की तो दिनांक 6/12/2023 को जो इसमें शामिल रहा था हमें कहीं से सीक्रेट सोर्स से मिली थी जोगिंदर और निक का, उसको हमने जो हमारे चौकी इंचार्ज है मुडलाना जो उनकी तरफ से तफ्तीश है तो उन्होंने इसको पकड़ लिया था। पकड़ के जब इसमें आगे अनुसंधान किया तो और आगे जो नाम आए चार बंदों के और नाम आए जिनमें हमने फिर 6 तारीख को अरेस्ट कर लिया। 6 को जोगिंदर को किया था और 7 को फिर अगले बंदे को भी उनके स्टेटमेंट में अरेस्ट कर लिया, जिसमें आकाश उर्फ सुरेंद्र है, केतन उर्फ सतपाल है और हरिओम उर्फ हर्ष शाहपुर पानीपत। इसके ये 2 बंदे शाहपुर पानीपत से हैं और आकाश जो है ये है मुडलाना गांव का ही, जोगिंदर है ये भी मुडलाना गांव का ही, यहीं लोकल। तो इनमें जो ये जोगिंदर निका इसका ये काफी पहले मुकदमों में इन्वॉल्व रह चुका है, जिसमें मर्डर केस भी है, डकैती भी है और 307 के भी केस है। एक केतन है उस पर भी 307 का केस है, इनकी पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इनमें अभी इस केस में एक मुलजिम है परवीन और फोड़ा जो मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी बकाया है, उसको भी जल्द पेश किया अरेस्ट किया जाएगा। और जो गाड़ी उन्होंने यूज की थी एक नेक्सॉन गाड़ी थी नई अप्लाइड 4 जो हमने इस हरिओम और फर्श है उसे रिकवर कर लिए और जो कंपनी है वहां पे भी हमने सिक्योरिटी दी हुई है ताकि आगे कोई इस तरह का ना हो। और जो और वहाँ आस हमारे एरिया में जो कंपनीज हैं उन पर भी हम इस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं या इस बारे में हम चौकन्ना है। इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन इनका यही था, ये जैसे
क्रिमिनल टाइप के हैं तो ये अपना कि भाई रिकवरी की जाए किसी तरह से, अपना कोई मंथली सिस्टम बनाया जाए और जो उगाई की जाए मंथली बेसिस पे, तो यही इन्होंने 10 लाख के लिए इसके डायरेक्टर को डरा धमका के मांग करने की चेष्टा कर रहे हैं। मांग के दम पे ऐसा किया था कैसे? नहीं, इस तरह की तो कोई बात है, हथियार वगैरह तो उनके पास नहीं था उस टाइम पे। मारपिटाई की? हाँ, बस धक्का मुक्की, वहां जो स्टाफ था उसके साथ, और एक मतलब इम्प्रेशन डर पैदा करके ये चाह रहे थे कि भाई पैसा ले लिया जाए मंथली बेसिस पे, एक्सट्रैक्शन कर लिया। हाँ जी, कहाँ से गिरफ्तार किया आपको? ये जो इसको इनको अरेस्टिंग है जोगिंदर उर्फ निक्का की, सिरसाद गांव से, सिरसाद मोड़ से। हाँ, और जो गाड़ी बरामद हुई थी चिड़ाना से बंद भट्टा है एक, वहां से बरामद की है। टीम एक ही थी या सदर थाने के अंदर? टीम सदर की भी ही और सीआईए की मतलब कॉम्बिनेशन से ये हुआ है। असला वगैरह भी बरामद? असला नहीं है, असला रिमांड वगैरह सर? रिमांड जो पहले अरेस्ट हुआ था उसका एक दिन का रिमांड लिया था इनको पकड़ने के लिए, जहां जहां इनके ठिकाने थे उनकी सहायता से ये इनको अरेस्ट किया। मुख्य उद्देश्य यही था एक्सटोर्शन? हाँ, एक्सटोर्शन इनका मुख्य उद्देश्य था, कोई भय पैदा करके। अब जैसे यहाँ इंडस्ट्रीज आने लगी है मुडलाना के क्षेत्र में है भी, तो इनका यही था कि भाई हम यहाँ के लोकल भी हैं और इस तरह का दबाव बना के एक्सटोर्शन की जाए। तो किसी गैंग से ताल्लुक रखते हैं सर, जिसने बताया कि इनके क्या प्रयास लूट के मामले में कर रहे हैं? हाँ, गैंग जो बड़े गैंग से तो नहीं है, लेकिन ये अलग अपने में कोशिश कर रहे हैं कि भाई गैंगवार हम चला सकें, गैंग बना तो हाँ ये उससे पहले पकड़े गए हैं, पहले भी अरेस्ट हुए। मुख्य मुख्य संलग्न कौन है जो इसमें? तो परवीन और फोटा, ये जो इनके साथ रहा है, ये लंबे टाइम से क्रिमिनल पृष्ठभूमि है इसकी। हाँ, जोगिंदर उर्फ निक्का की है 12-13 और परवीन फोटा की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है 12-13 मामले पर। हाँ, दोनों पे है इस तरह की। सर, ये इंडस्ट्री ने इस एरिया में बढ़ी है, लाना से पहले ही शुरू हो जाती है, लंबे दूर तक चली गई तो इंडस्ट्री एरिया बन गया, जोन बन गया। जी जी, तो ये इस तरह की घटनाएं और होंगी क्योंकि क्रिमिनल टाइप के बहुत लोग हैं, तो फ्यूचर में इस तरह की कोई बात ना, उसके लिए क्या पुलिस को सतर्क है? हाँ, इसमें बिल्कुल जो हमारी रात डस्ट गश्त भी होती है शाम को भी और नाइट में भी पेट्रोलिंग होती है, इवन मैं भी गश्त करता हूँ, एसीपी सर भी गश्त करते हैं और हमारे जो सीपी साहब ने इसका पेट्रोलिंग प्रोग्राम जारी किया हुआ है। मेरी भी वीक में 3 दिन नाइट गश्त है, मस्ट नाइट में 11 से 4 होती है वहाँ और इवनिंग में भी 6 से 10 होती है। तो सभी मतलब अलग से ईआरवीज भी हैं, राइडर्स हैं, पीसीआर से, और जैसे ये मामला मतलब पहले भी हम सिक्योरिटी कवर रखते हैं वहाँ पे, लेकिन जैसे अब ये मामला आया तो उसमें थोड़ा और हम इस पर फोकस रखते हैं ताकि आगे इस तरह की कोई दिक्कत इंडस्ट्रीज को ना आए और क्राइम ना पनप पाए। सीसीटीवी फुटेज मिली है वहाँ, उसके आधार पे ही रिकॉग्नाइज किया गया है और जो भी इन्वेस्टिगेशन है। सर्दियाँ आ रही हैं, इसके अलावा भी इसके साथ एक बात है, सर्दियाँ आ रही हैं, ठंड का सीजन है, घटनाएं तो होती होती हैं, सड़क पे भी बड़ी दुर्घटनाओं का अंदेशा रहेगा, तो पुलिस इस तरह कोई गाइडलाइन जारी करेगी, क्या कर रही है? हाँ, इसमें जैसे रिफ्लेक्टर वगैरह हम सड़क पे लगवाते हैं, जैसे अभी सोनपत रोड पे कंस्ट्रक्शन का कार्य है, जैसे मैंने भी अभी 1 महीने पहले कार्य यहाँ संभाला है कार्यभार, तो मैं उसको देख रहा हूँ कि भी एक्सीडेंट यहाँ हो रहे हैं, तो उसके जो कंस्ट्रक्टर ठेकेदार हैं उनसे हम कांटेक्ट करके लगवा रहे हैं और आगे भी लगवाए जाएंगे रिफ्लेक्टर वगैरह, ताकि वो चीज़ दिखाई दे सके, टर्न वगैरह जो भी है, यू टर्न है। ठीक है सर, इसमें से किसी और जाँच की भी जरूरत है, कोई और भी ना निकले तो उसके आधार पे आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वजीर जी कहाँ चले गए?